It's closed, library. It's closed. No, it's closed. Oh no, I thought it was open. Close it. It's fine. It's closed, sorry. Hello guys, this morning I got up at night. Just kidding. Well, abhi hum Sharda mein hain. Hum bahut din se soch raha tha ki aapko Sharda University ek baar tour karayega, college kaise dikhayega. But lockdown bita aur uske baad, both due to many reasons, hum cancel kar raha tha plan. But it's all fine now. To abhi hum Sharda mein hain aur aap logo Sharda ghumayega. हम नोट्स लिखा था आप लोगों को क्या क्या दिखाएगा आगे. फर्स्ट आप लोगों को सादा टूर में आप लोगों को एडमिशन सेल दिखाएगा, उसके बाद बैडमिंटन कोर्ट, उसके बाद क्लासरूम, उसके बाद बास्केटबॉल कोर्ट, उसके बाद फुटबॉल ग्राउंड, उसके बाद लाइब्रेरी. ये देख रहे कि नहीं देख रहे पता नहीं, ये है. सो इतना ही आज के वीडियो में. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. हेलो गाइस, तो मेरा पीछे अभी ब्लॉक 2 है, वहाँ पे एडमिशन सेल और उसके साइड में बैडमिंटन कोर्ट है, तो आप लोग को वही ले जाएगा. हम अभी भी याद है, हम फर्स्ट टाइम जब सावरा आया था एडमिशन के लिए, हम यही ब्लॉक आया था. ये ब्लॉग में आपका सब एडमिशन का काम होता है. ये है एडमिशन से आपका कंप्लीट. ये शारदा देवी है साइड से, द गॉडेस ऑफ नॉलेज, और उसके पीछे है APJ अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. ये ब्लॉक, यहाँ पे आपका एडमिशन वो होता है और आपका इंक्वायरी लोग यहाँ पे ही करते हैं जब फर्स्ट फर्स्ट आता है. और ये काउंसलिंग लॉन्च, हम भी याद है जब फर्स्ट फर्स्ट आया था हम, तो हमको भी यहाँ पे काउंसलिंग किया था थोड़ा कि क्या कोर्स लेगा, क्यों लेगा, वो सब यही होता है. उसके बाद ये इंटरनेशनल डिवीज़न का है, इंटरनेशनल डिवीज़न का ये एडमिशन सेल है, इंटरनेशनल स्टूडेंट का, इंटरनेशनल स्टूडेंट वही ये एडमिशन सेल का. उसके बाद नोटिस का क्या चला गया, नोटिस का ये नोटिस का, ये नोटिस का ऑफिस, यहाँ पे आपका अरुणाचल, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय सबका वो क्या, सबका एडमिशन का इंक्वायरी यहाँ पे होता है. जो हम लोग अरुणाचल में बैंक नाली में साइड से बैंक नाली में जो ऑफिस है वो यहाँ से करेंगे. सो यही है, और ऊपर में ये भी हमको अच्छा लगता है, हम फोटो भी ले आते हैं. यही है एडमिशन सेल. तो अभी जाएंगे बैडमिंटन कोर्ट पे. बैडमिंटन कोर्ट सामने में स्टार्ट ऑफ हम देखा रहे हैं, बैडमिंटन कोर्ट था. ये है बैडमिंटन कोर्ट. हम पता नहीं ये बैडमिंटन कोर्ट को क्या बोलते हैं, इंडोर या आउटडोर या सेमी इंडोर या सेमी आउटडोर, कोई पता है तो कमेंट करके बता दो, इतना नॉलेज नहीं है बैडमिंटन में हमको. तो यही है बैडमिंटन कोर्ट, इसलिए दो टू साइड से वो ब्लॉक में भी एक, वो साइड ब्लॉक वन में भी एक टू ये साइड से, और यहाँ पे भी है, यहाँ पे खेलते हैं आदमी लोग. यही है. अभी चलते हैं अपना थर्ड आइटम पे, क्लासरूम. ये मेरा फर्स्ट ब्लॉगिंग है, आप लोग को बोरिंग लगेगा तो
सॉरी हम इतना एक्सपर्ट तो नहीं है बात करने में, ब्लॉगिंग करने में, वही है तो पर भी हम कर रहे हैं। वो देखो सादा यूनिवर्सिटी का फेमस लोगो पीछे में है। ये है अंकल्स कैफे रेस्टोरेंट। तो सादा दिखाएगा आप लोगों को। ब्लॉग वन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी देखे दे रहे हैं आप लोग को। और आप लोग को क्लासरूम हम पूरा मतलब मेरा ब्लॉग का क्लासरूम दिखाएगा क्योंकि आप लोग को मतलब जस्ट एक आइडिया मिल जाएगा कि क्लासरूम कैसे है सादा यूनिवर्सिटी में। क्योंकि ब्लॉग मेरा ब्लॉग सेवन है, ब्लॉग सेवन और लाइक बाकी ब्लॉग का भी सेम है, तो आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि साधारण क्लासरूम कैसे होता है, सीट कैसे है, वो सब कैसे है। और हम बता देंगे आप लोगों को क्या है क्या है। सादा स्कूल बहुत दस्ती हो गया क्योंकि पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है लाइक वो हॉस्पिटल एरिया में और यहाँ में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो पूरा दस्ती हो गया। देख लो आप लोग कैमरा में दस्त दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दिखाई दाई में तो पूरा दस्त है। और इसलिए हम यहाँ से इतना जाने भी प्रेफर नहीं करते बट I'm out of here. वीडियो शूट। हाय बोलो। वो देखो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसके बारे में हम आप लोगों को बता रहे थे। ये पूरा पता नहीं क्या बना रहा है। सब सादा का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है और फैसिलिटीज भी बहुत अच्छा अच्छा है, इसको तो हम डिनाई नहीं करेंगे। फैसिलिटीज लोग भी बहुत अच्छा है, फैसिलिटीज के लिए हम सादा को देंगे 9 out of 10। Oh my God! Wow! तो पता नहीं आप लोगों को मेरा आवाज़ ऐसे सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है क्योंकि हम मास्क पहना है, मास्क पहनना पड़ेगा ये कैंपस है रहा, नहीं तो बाद में फाइन लग जाएगा। और आप लोग भी मास्क पहनो, स्टे सेफ बहुत देख से अभी। और ये हम पहुँचने वाला है ब्लॉक 7। और ये है रेस्टोरेंट, यहाँ पे आपको चिकन फ्राई राइस बहुत अच्छा मिलता है। चिकन फ्राई राइस का मीट बहुत ज़्यादा मिलता है, यार कोई आएगा तो हम रिकमेंड करेगा। हम पहले यहाँ पे लंच खाता था, हम पहले यहाँ पे लंच खाता था पूरा ना, मेरा पीजी ये साइड में, वो साइड में पीजी जाने मन नहीं होता था तो यहाँ पे लंच खाता था। तो चलो अभी ब्लॉक 7 जाएगा। ये है ब्लॉक 7 स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। यहाँ पे आपका लॉ होता है, बिजनेस स्टडीज और सोशल साइंस का जो भी कोर्स है, जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जैसे मेरा सोशियोलॉजी, सब यहाँ पे है, साइकोलॉजी लोग भी यहाँ पे है। तो ये हम जाते हैं बोतल बहुत आवाज़ कर रही है साइड में, दरंग दरंग भी बोतल की आवाज़ है। ये है ब्लॉक 7। कोटेशन लिख कर आते हैं आप लोग मेरा क्लासरूम दिखाएगा जो कि वहाँ पे है, 8th फ्लोर पे, 2nd फ्लोर पे।
अभी लिफ्ट आ रहा है। लिफ्ट नहीं, यहाँ पे लिफ्ट है। सो लेट्स गो। ये है मेरा ब्लॉग, मेरा फ्लोर या फिर क्लासरूम ब्लॉग है मेरा। अभी तो क्लासरूम में थोड़ा बंद है और हाँ आप लोग को बता देगा यहाँ पे बहुत क्राउड होता है, कॉलेज पूरा फुल होता है। यहाँ पे आपको जाने का भी रास्ता बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत क्राउड होता है जब स्कूल टाइम होता है। अभी तो लॉकडाउन लगे पूरा बंद है, वल्ला क्लासरूम लोग बंद है, आप लोग को क्लासरूम नहीं दिखा पाएंगे। क्लासरूम बंद है, मैं तो क्लासरूम बंद नहीं तो आप लोग को सोचा था क्लासरूम दिखाएगा। और हम अभी ब्लॉक से निकाल रहे हैं क्योंकि क्लासरूम भी बंद है, हम पता नहीं था। अभी हम लोग बास्केटबॉल कोर्ट देखेगा और फुटबॉल ग्राउंड देखेगा, ये सामने में ही है, वही हमको थोड़ा वॉक करना पड़ेगा। अभी हम लोग पहुँच गया बास्केटबॉल कोर्ट और फुटबॉल ग्राउंड। ये फुटबॉल ग्राउंड, फुटबॉल लाइक ये तो फुटबॉल भी खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है, वो मल्टीपल यूज होता है ये ग्राउंड। आपको जगह दे रहे हैं कि नहीं? ये है ऑल टाइम फेमस बास्केटबॉल कोर्ट, वो साइड में भी एक कोर्ट है पर ये वाला थोड़ा इट्स बेटर देन दैट वन। सो हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे वॉलीबॉल ग्राउंड भी है और ये है बास्केटबॉल ग्राउंड। ये है वॉलीबॉल ग्राउंड, यहाँ पे दो टू है, एक टू ये है नंबर वन और नंबर टू, देखा कि नहीं देखा। और ये लोग हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल, विवेकानंद हॉस्टल, टेगोर हॉस्टल, जवाहर हॉस्टल, दैट वन आई थिंक टेगोर, यस टेगोर हॉस्टल। और ये है हम लोग का बास्केटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल ग्राउंड है ये, हम तो खेलने नहीं आते या आदमी बहुत खेलता है। और वो है हम लोग का सदर यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी, ये साल ही बना है लास्ट यार, हम जब फर्स्ट ईयर आया था तब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, अभी ये साल कंप्लीट हो गया है। लाइब्रेरी बहुत बहुत स्टैंडर्ड है, बहुत अजीब सा बढ़िया है ये ग्राउंड। ये तो ये गेट लोग है शायद, हमको वो शायद जाना था। तो ये लॉक है तो हमको वो साइड से जाना पड़ेगा। ये है कोर्ट लोग, यहाँ पे स्केटिंग भी करने आता है आदमी लोग, बास्केटबॉल भी खेल सकता है, क्रिकेट भी यहाँ भी खेलता है। बहुत गर्म है, अभी कितना बज रहा है, अभी बज रहा होगा साइड से 10 बज रहे हैं, 9:47 देखा कि नहीं देखा, 9:47। अच्छा है हम सुबह में उठ के आ गए ब्लॉगिंग के लिए, नहीं तो दिन में तो बहुत गर्म होना था। दिन में तो आपका कितना 40 डिग्री सेल्सियस पहुँचता है साइड से यहाँ पे, और 40 डिग्री तो बा इट्स नॉट नॉर्मल ब्रो, बहुत टफ है यार दिन में
क्लासरूम में आने के लिए, पर वही अच्छा है कि सादा में आपका क्लासरूम में एसी है, और विंटर में भी जब विंटर होता है आप लोग का रूम में हीटर है, तो क्लासरूम पहुँचे तो कुछ दिक्कत नहीं है। बट जस्ट वही है, हम बाहर भी बैठता है तो वॉक करके आने, और जो जो बाहर बैठता है अपार्टमेंट लोग में वो लोग तो ऑटो से आते, वो तकलीफ है। एंड आई थिंक लाइब्रेरी भी क्लोज हो जाएगी, लाइब्रेरी देखा देगा आप लोगों को, ये है लाइब्रेरी, ये सादा के अच्छे से लोगों, ये है लाइब्रेरी, स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी, विकेवी स्टूडेंट स्वामी जी है, और वो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो एरिया, पता नहीं क्या कर रहा है, देख रहे कि नहीं देख रहे, वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए पूरा दस्ती है, और लाइब्रेरी भी क्लोज है साइड से, क्लोज होने से क्या कर रहे तो हम नहीं जा पाएगा, तो आप लोग को बाहर से दिखा देंगे, ये है लाइब्रेरी, और वो वहाँ में वो था समथिंग क्या था, जिम टाइप था वो टाइप में, पर अभी क्लोज थे ये कोरोना वायरस के कारण, और लाइब्रेरी भी क्लोज हो गया तो हम नहीं जा पाएगा, तो दैट मीन्स जिम भी क्लोज होगा, हम जिम भी नहीं आ पाएगा, ओ नहीं नहीं ओपन है खुला तो हम जा पाएगा, तो आई कैन गो, खुल गया था ये लाइब्रेरी, अभी साइड से बंद है पर ये खुल के रखा, तो आप लोग यहाँ से दिखा देगा, क्लोज लिख के रखा, ओ सॉरी तो हम नहीं जा पाए, ये है लाइब्रेरी ये ऊपर का, और ये नीचे का बेसमेंट, ये ऊपर तो हम नहीं गया है, जिम वो ऊपर में, जिम भी जाके देखेगा, वो खुल रहेगी, बट आई थिंक कोई नहीं है, तो क्या पूछ ले जाएगी, हो नहीं 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 ये खुला है, हम बात नहीं कर पाएगा अभी, तो इट्स क्लोज और ओपन, It's closed. Library. It's closed. Yeah, it's closed. Oh no, I thought it was open. It's fine. I'm glad we're such a thing. It's fine, no jagger. तो हम अभी ये नहीं हो रहा था, जिम जाके देखेगा, जिम भी हम साइड से हम लग रहा है हमको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि जिम ऊपर में और ऊपर से बहुत गार्ड को पास करना पड़ता है, तो लेट्स सी देखते हैं, वो देखो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ऊपर में जिम, ये ऊपर में नोटिस फेस्ट भी यहाँ पे हुआ था, अभी अलाउ करेगा नहीं करे देखता है, कोई नहीं कौन सा फ्लोर में था भैया, जिम कौन से फ्लोर में था, बेड न्यूज गाइस, जिम भी क्लोज थे बोला, तो मैं नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, पर आई थिंक हम जिम और लाइब्रेरी के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएगा, जब पूरा अनलॉक हो जाएगा, सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगा, नॉट नाउ मे बी नेक्स्ट ईयर, पता नहीं कब, पर बनाएगा, क्योंकि लाइब्रेरी और जिम देखाना है हम आप लोगों को,
अच्छा है साफ जगह। ओह माय गॉड वाओ वो अच्छा लगा। तो अभी तो व्लॉग खत्म होने वाला है, खत्म होने से पहले आप लोग को फेमस और मंडेला को देखा ना, बिल्कुल फेमस मोस्ट पॉपुलर हॉस्टल मंडेला, जहाँ पे मंडेला गर्ल्स भी है बॉयज भी है, लाइक मंडेला दिखा देगा आप लोगों को। वो लाइब्रेरी भी बंद है और जिम भी बंद है। सो यहाँ से मंडेला देखा देगा देने से हम यहाँ से आप लोगों को देखा देगा। वो है मंडेला वो राइट हैंड साइड, ओके वो राइट हैंड साइड बॉयज हॉस्टल है, वो लेफ्ट हैंड साइड गर्ल्स हॉस्टल है, वो जो फुटबॉल ग्राउंड। अभी लो पानी फेंक कर रखा है ताकि दस्ती ना हो। और इतना ही आज का वीडियो के लिए, और तो कुछ बहुत देखा सकते हैं बट लाइक अभी क्लोज है मैक्सिमम चीज तो फायदा नहीं आके। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो, स्टे सेफ स्टे हैप्पी, बाय बाय।